तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, आख्यायिका है विद्या की स्तुति के लिए। विद्या स्तुत्यर्था में भी कई बातें हैं, टिप्पणकार इसलिए कह रहे 3 नंबर। यमेन दिव्य भोगादि प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता विद्यार्थमेव तान अजहात इत्यो महिमा इयम विद्या इति स्तुति आख्यायिका अथ एव लभ्यते इति भावः। आख्याय से, आख्यायिका से क्या भाव प्रकट किया गया है श्रुति के द्वारा वो समझा रहे। यमेन दिव्य भोग आदि भी यमराज जी के द्वारा दिव्य भोग आदियों से प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने विद्या की प्राप्ति के लिए तान अजहात उन सब को त्याग दिया। इत्येवं महिमा ये विद्या, ऐसी महिमा वाली यह ब्रह्म विद्या है। इति स्तुति आख्यायिका, यह स्तुति आख्यायिका से कही गई है। ये भाव है, एव लभ्यते, ये भाव हुआ। उषन कामय मानो, उषन गर्द है वश कांत धातु से वन संप्रसारण होकर के, इसलिए उषन गर्द है कामय मान क्षत्रिय प्रत्यांत है। उस पर भी टिप्पण सुंदर है, इसलिए देखना जरूरी है कि कोई भी कर्मकांड जो किया जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर समन्वय इसी मंत्र सब कुछ सबको समझना पड़ेगा, बहुत कुछ बात इसी में छिपा हुआ है। शुरू में बोल दिया था मैंने, क्योंकि नचिकेता के अंदर अचानक आस्तिक की बुद्धि जगी, श्रद्धा जगी, श्रद्धा विवेश बोलेंगे मंत्र में। कब? दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के ले जाता गौओं को देख करके। और उसने सोचा मेरे पिता अधर्म कर रहे हैं। ये क्यों सोचा? कि उसका आधार है उषण। क्योंकि कोई भी कर्मकांड हम करते हैं वो दो प्रकार से की जा सकती है, या कामना से या निष्काम भाव से। ये सकाम कर्म है उसमें एक भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। अंग में च्युति, अंग में त्रुटि, अंग में न्यूनता नहीं होनी चाहिए, और दक्षिणारूप अंग में न्यूनता है। सलूशन का संबंध हुआ ना, सकाम कर्म हो तो पिता न्यूनता प्रकट कर दिया, एक अंग में न्यूनता कर रहे हैं इसलिए उसके अंदर श्रद्धा जगी, नहीं तो वो शंका सब खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगी। उषण शब्द नहीं है तो सारा स्टोरी ही बेकार होगा। क्यों? निष्काम कर्म में वैगुण्यता हो जाए कोई आपत्ति नहीं। आप अंग ही छोड़ दो, अंग में त्रुटि न्यूनता बाद नहीं, अंग भी लुप्त हो जाए तो भी दोषाय न भवती। लेकिन सकाम कर्म में अंग में च्युति या त्रुटि तो दूर की बात, अंग में न्यूनता भी नहीं कर सकते आप, चालाकी नहीं कर सकते। आप कर रहे हैं लेकिन उसमें चालाकी, इसने क्या किया यहाँ पर एक्चुअली तर्क कुतर्किक यदि इस्तेमाल करे कुतर्क का बुद्धि को, पिता कह सकता है ये मेरी संपत्ति है नहीं, वो जो थे कौन अच्छी गायें, इसलिए उसने पहले से क्या कर दिया, ठप्पा लगा दे ये सारे गाय बेटे का मेरा है नहीं। जो दायित्व अपना है उसने मान रखा है वो सर्वस्व दान दे रहा है। अपना स्व को देना है ना दान, अपना स्व क्या है? चालाकी यही कर दिया उसने, पहले से गौं को बांट दिया बेटा का संपत्ति, जन संपत्ति का बंटवारा होता है ऐसे गवों का बंटवारा कर दिया उसने, इतना बेटा नचिकेता का इतना मेरा है। और उसने अपना में क्या कर दिया, सब ऐसे मरने वाले गयों को रख लिया, कहने के लिए यही मेरा स्व है, मैं अपने सर्वस्व को दान दे रहा हूं। ये यहां पर अंग में त्रुटि भी नहीं, अंग में न्यूनता नहीं, कि अंग में छल है, अंग में छल कपट है, दक्षिणारूप अंग में छल कपट हो गया। लेकिन वो जब बच्चा जान सकता है कि प्रॉब्लम है तो पिता इतना महान कर्मकांड वो कैसे नहीं जान? हाँ, वही सब प्रश्न है, इसलिए तो उठा रहा मैं कि पण इसलिए उठाया गया, इस पर बड़ा विचार है। तो उसमें कहते कि क्यों उसने फिर, ये तो ऐसे ऐसा करने वाला है, इसका मतलब पिता महान कर्मकांड ये नहीं माना जा सकता है। जिसने जगदत्रणा को अलग कर दिया इसका मतलब तो महान कंजूस है, मक्खी चूस है, दरिद्रता है इसके अंदर।
फिर भी यज्ञ क्यों कर रहा है, ये प्रश्न उठेगा, फिर ये विरोध हो जाएगा, फिर सर्वस्व दान के यज्ञ क्यों कर रहा है, ये विरोधाभास है क्या, फिर कुछ और कर सकते थे, स्वर्ग है, स्वर्ग है। हाँ, तब कहेंगे कि नहीं, फिर भी इसमें इसलिए दूसरा शब्द आया वाजश्रवसा, वो जवाब देता है इस शंका का। शंका है इसमें क्या हुआ कि यदि कंजूस था अगर सर्वस्व दान का यज्ञ करने की क्या जरूरत है स्वर्ग के लिए, तब कहेंगे देखो पिता अन्न के द्वारा यह लोक में कीर्ति को प्राप्त किया, अन्नदान द्वारा यह लोक की कीर्ति, ना अन्नदान से क्या होगा, यह लोक में कीर्ति की, परलोक की प्राप्ति तो है नहीं। तो वाजश्रोष से पता रहा है कि नचिकेता के दादाजी अर्थात नचिकेत पिताजी यजमान का जो पिताजी वाजश्रव थे, मैंने अन्न के द्वारा यश को प्राप्त करके यह लोक में यश को प्राप्त किया, और उनका पुत्र उस पुण्यवशा पिता के पुण्यवशा पुत्र बाज सर्वस में परलोक को प्राप्त करने की इच्छा जगी, भले ही कंजूस था लेकिन चाह रहे बहुत ऊंची चीज, उसने उसे चालाकी कर दिया। चालाकी क्या कर दिया, बेटा के लिए अच्छी संपत्ति दे दी जिससे मैं चिंता तो रहूंगा ठाट पाट से खा पी करके, बेटा तो मेरे को सेवा करेगा ना, खिला कर पिलाएगा ही, इसे खराब गवों को दान में देने के लिए करता समन्वय हो गया। और लेकिन उस कर्म का भी पुण्य, उस कर्म का संकल्प भी पुण्य वशा नचिकेता में श्रद्धा जागृत हुई और उसके अंदर पारमार्थिक इच्छा जगी। उत्तर क्या हो रहा है, उत्कृष्ट हो रहा है ना, दादा में यह लोक में इच्छा, यह लोक संबंधी इच्छा जगी, पुत्र उसका पुत्र में परलोक इच्छा, पौत्र में पारमार्थिक इच्छा, यह संबंध बन जाता है, इसलिए कहीं भी कोई विरोध नहीं बनता। इतना ही इसमें कमी है उसमें, उसकी अपनी एक पिता से एक सद्गुण आया, सद्गुण के वशात यह लोक की इच्छा से ऊपर उठ करके परलोक की इच्छा कर लिया, ये तो अच्छा काम किया, लेकिन अपने अंदर विद्यमान क्षुद्रता जो थी, दरिद्रता जो थी, इसके वजह से उसने चालाकी कर दिया दक्षिणारोपी अंग में। उस चालाक में दो बात छिपी हुई है, एक बात अपने भविष्य को भी उसने देख रहा है, यदि मन में सर्वस्व दे दूँ फिर खाऊंगा क्या, दूध भी नहीं रहेगा मेरे लिए। इसने चालाकी में उसने क्या करते, बेटे के नाम पर अच्छी गायों को कर दिया, कल बेटा तो मेरी सेवा ही करेगा, जो बेटा का धन है उसे मैं अपना खा पी कर ठाट रह सकूंगा, अपना भविष्य को भी दृढ़ कर लिया, और दिखाने में स्वर्ग की कामना भी कर रहा हूँ, उसके लिए सर्वस्व यज्ञ भी कर दिया। ये एक सबसे बड़ी रहस्य इसमें है, इस मंत्र में, जिसको प्रकट करने के लिए इस पन्ने में टिप्पण और अगला पन्ने भी बड़ा टिप्पण करने विवेचन किया, वार्तिक के अधीन ही सब कुछ है। देखिए सकाम से तस्य कर्मणा सांगत्वमेव संपादितव्यम् आसीत्। नियम क्या है, सर्वत्र एक सामान्य नियम है, कोई भी कर्म यदि सकाम यदि है तो सांगत्वमेव संपादित, अंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। काम कत्वात् लोभेन नासो तथा कृतवान, आ गया ना, काम कत्वात् लोभेन नासो तथा कृतवान, ऐसा वाजश्रवस ने नहीं किया, इति अधर्मेव सकाम कर्म, इसलिए सकाम कर्म भी अधर्म ही हो गया। इति सूचयितुं उशन पदम इति आशेन व्याचष्टे कामयमान इति, निष्कामसि तो न सांगतादि आग्रह, आग्रह नहीं है, क्यों, क्या प्रमाण है निष्काम सांगता में आग्रह नहीं है, तब गीता को बता रहे नेह विक्रम नाश नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अविक्रम का नाश भी नहीं होता, प्रत्यय भी लागू नहीं होता, अंग में न्यूनता हो जाए कुछ भी हो जाए निष्काम कर्म में कोई दोष नहीं है, यथाशक्ति यथा संभव यथा सामर्थ्य आप जितनी कर सकते हैं उतनी कर लो, ये निष्काम कर्म करने में फायदा है, आप में कर्मकांड में कोई कमियां रह जाए तो भी दोष नहीं होगा। मंत्रो ही न स्वर्ति इत्यादि श्रवणात् सकाम से तो सांगता नियम एवति भाव, और सांगता में श्रुति में कहा मंत्रो ही न स्वर्तो इत्यादि कह दिया, साफ साफ जो है सकाम में तो अंग में किसी भी प्रकार का उच्चारण में भी मंत्रों का दोष नहीं हो सकता है, ये कह दिया है श्रुति स्मृतियों ने, इसीलिए यहाँ उशन्य शब्द इस सारे रहस्य को स्पष्ट कर देता है। ह वाइति ह और वा, वापस भाषण वृत्तार्थ स्मरणार्थ दो अर्थ कर रहा है,
वृत्तार्थ का कथन करता है और वही स्मरणार्थ को कथन कर रहा है। सर्वत्तार्थ स्मरणार्थो द्विवचन ह वृत्त माने बीती हुई घटना का कथन कर रहा है और वही उसी का स्मरण कराने के लिए प्रयोग हुआ। बीती हुई घटना का कथन पूर्वक स्मरण करने के लिए ह और वह ये दोनों निपातो वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो, क्योंकि पहले कल बता दिया तो संक्षेप में उसकी कहानी नचिकेता का वृत्त और स्मृत कथा नचिकेता का अंश में यह है कि वो 5 साल में एक बार देवश्री हमराज जी के पास जा चुका था, फिर 9वें साल में 2 बार जा रहा है नचिकेता का दृष्टि से। और पिता का दृष्टिकोण से यदि लेते हैं इसका वृत्त जो घटना जो स्मरणार्थ क्या है तो वायु सर्वस्व पद में छिपा हुआ है, क्योंकि सीधे इसका नाम न लेकर के पिता के नाम के द्वारा पुत्र का नाम कहा गया वाजश्रवो वाजश्रवस अपत्यमिति वाजश्रवस अदंत बनाया है ना। वाजश्रवस मैंने बता दिया था कल सकारांत है, उसकी षष्ठ्यंत के अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करके या आई प्रत्यय करके वाजश्रवस बना है। वो पिता का नाम ही यहाँ वृत्तार्थ का स्मरण कराता है। वृत्तार्थ क्या है यहाँ पर, पिता जो है यह लोक में यश कीर्ति की कामना से अन्न दान किया था, अतएव मैं क्या करूंगा परलोक प्राप्त करने के लिए सर्वस्व दान करूंगा, यह मन में उनके आ गया, ये वृत्तार्थ का स्मरण। और इसका संबंध उत्तर में बन जाएगा नचिकेता के लिए, जिसके वजह से उत्तरोत्तर पुत्र का गुण अपने पौत्र में भी पहुंच गया तो वह पारमार्थिक सत्ता पारमार्थिक हित पारमार्थिक कामना कर लेता है। यह लोक से ऊपर परलोक, परलोक से भी ऊपर क्या है परमार्थ। अब उसी की व्याख्या देखो वाजम अन्नम तद्दानादि निमित्तम श्रवो यस्य स वाजश्रवा। प्रथम एक वचन रूढ़ितो वा तस्य अपत्यम, अतः रूढ़ी से उसका नाम था मान लो वाजश्रवस, एक तो समास करके दिखा दी व्युत्पत्ति वाजम अन्नम, वाजम शब्द करते अन्न तो उसके दान आदि निमित्त श्रव मानी कीर्ति यस्य स वाजश्रवा रूढ़ी तो वह तो उसका नाम था मान लो वाजश्रवा तस्य पत्यम उसका बेटा वाजश्रवस किल प्रसिद्धि के लिए किल विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे तत्फल कामयमानः विश्वजित नामक सर्वमेधेन भाष्कर जान करके सर्ववेदस को सर्वमेधेन व्याख्या कर दिया, क्योंकि वेदस और मेधस दोनों पर्यायवाची हैं। नीचे निघंटु वगैरह दिए हैं 4 नंबर टिप्पण शांतो नपुंसकलिंगो वेद शब्दो निरुक्तिगंटो मेधम रेक्ण रिक्तम वेद इत्यम्बारी धन नाम सुपटिता सर्वंच वेद तद वेदश्चिति करमदारी तत्पुरुष सती अनसंतात नपुंसका छंदसी इति समासांत टच इति आशयेन व्याचष्टे सर्वस्वम धनम इति। ये सब बात को मन में रखकर के भाष्यकार ने बालिक दिया स तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसम माने सर्वस्व धनम ददौ माने दत्तवा इति भाष्य। मेधस वेदस रेक्ना रिक्था रिक्ता ने रिक्था था और तम में बहुत अंतर हो जाता है, रिक्था धनवाची रिक्ता खाली एम्प्टी हाँ रिक्त पानी बोलते ना वो त है वहाँ थ नहीं थ धनवाची हो जाता है और त खाली हाथ हो जाता है, तो ये हो गया धन के परिवाची, इसलिए यहाँ वेदस शब्द से आपने सर्वधन दिया समझो। अन्न रूपी धन दिया पिता ने तो पुत्र ने संपूर्ण धन देने को आगे बढ़ गया परलोक प्राप्ति करने के लिए। वाजम अन्नम इसमें भी निघंटू दे रहे हैं, अंधस इत्यादि पर्यायवाच्यों में पहला 1 नंबर टिप्पण में साफ है। विश्वजिता फलम स्वर्गम इत्यर्थ 2 नंबर टिप्पण में, क्योंकि वहां मीमांसा दर्शन ने निर्णय दिया कि विधि क्या है विश्वजिता यजेता इतना ही है मंत्र 33 संहिता में विश्वजिता यजेता, आगे कोई फल तो बताया नहीं और अर्थवाद में भी कहीं फल नहीं, इसी आगे की बड़ी स्तुति की गई है लेकिन पूरी अर्थवाद में कहीं फल का कथन नहीं,
प्रकरण में नहीं है, अर्थवाद में नहीं है, और किसी का प्रकरण में पठित प्रकृति का विकृति याग भी नहीं है, ये अनारभ्यधीत है ये, तो क्या करें फिर? याग कौन करेगा फलाभाव? तब जैमिनी ने एक सूत्र बनाया, स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्टत्व, एक सूत्र है डिस्क्लेमर। हाँ, क्योंकि सर्वान प्रति, सर्वान माने दुनिया की सारी दुनिया, सब के सब अविशिष्ट फल क्या चाहते? सब स्वर्ग चाहते। इसे कोई भी मरे क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। कभी लिखते नर्कवासी हो, स्वर्गाधीन हो गए, स्वर्गारूढ़ होकर लिए, स्वर्गारोहण हो गया, ऐसे शब्द पुराणों में समय मिल जाता है। ये सर्वान प्रति अविशिष्ट में सामान्य काम्य पदार्थ यदि है तो स्वर्ग है। इसीलिए जिस किसी भी याग, जिस किसी भी कर्म में कोई फल किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं है वहाँ श्रुति स्मृतियों में, तो वहाँ स्वर्ग ही फल मानना चाहिए। ये सिद्धांत जैमिनी ने दिया है मीमांसा दर्शन में, उसके आधार पर कहा जा रहा टिप्पणकार ने विश्वजित फलम स्वर्गम इत्यर्थः। पुनः काम माने थी पदम अन्वय प्रश्नार्थम, और ये बिना नहीं तो काममान का अर्थ भी घटेगा कैसे? सर्वेशम ददौ काममानसन किं काममान, सात्विक इच्छा तो होगा ही, प्रश्न उठेगा तो स्वर्गम अन्वय श्रुत होगा। और सर्वेदन के आधार पर याग का संज्ञा अपने आप गृहित हो गया, अन्य कोई भी याग नहीं है जिसे सर्वस्व दान दिया जाता है, एकमात्र याग है जिसे सर्वस्व दान दिया जाता है। अजय सर्व विश्वजिता सर्वेधे नीजे तत्फलम च काममान स तस्वीन कर दो सर्वेशम सर्वस्व धनम ददौ दत्तवान तस्य यजमानस्य ह नचिकेदा नाम पुत्र किल आस बभूव। और उस यजमान का नचिकेतस, ये भी नचिकेतस सकारांत हलंत है, उसका प्रथमा में एक वचन नचिकेता नाम पुत्र किल आस, इस नाम का कहीं एक साथ पाठ नहीं कर देना, नचिकेता नाम अपुत्र किल आस बभूव, ऐसे पाठ नहीं कर, षष्ठी बहुवचन करके गड़बड़ नहीं करना है, छापने में थोड़ी सी गलती हो जाए सारा अर्थ गलत हो जाएगा। नचिकेता नाम, इस नाम से सुप्रसिद्ध एक पुत्र किल प्रसिद्ध आस बभूव इत्यर्थः। इस पर देखिए वो सारी शंकाओं को तीन चार टिप्पणों में, तीन नंबर में देखिए विशेष उषन सर्वस्वम ददौ इति विरुद्धम, कामना करते हुए संपूर्ण दान दिया यह हो नहीं सकता, नहीं स्वयं लुप्त हो अपरस्मै तृणमपि दातुम इच्छति, कि दुनिया तो ऐसी है कि स्वयं दो भी हो दूसरे को तो सुख का घास भी नहीं देवे, वो सर्वस्व कहां से दे देगा दान में? और आज तो दुनिया तो जो दिया है दान वो भी वापस ले लेते हैं, जरूरत है भाई हमें वापस दे दो, दान में दिए को वापस दुनिया ले रहे हैं लोग, कैसे तो आप कैसे सोच सकते हो लोभी आदमी हो है? और वो दान दे दे, वो भी सर्वस्व दे दे दान, ये तो असंभव बात है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो अत्यंत वृद्ध बात है, किमुत सर्वस्वमिति न च अधिकम उषन निहिने विरज्यती अविरोध है, अधिक की कामना करता हुआ, अधिकम उषन माने अधिक की कामना करते हुए आदमी जो है वो क्या करेगा? निहीने विरज्यती, और जो है वो भी ऐसा यज्ञ के प्रकरणों में विरक्त हो जाएगा और सर्वस्व दान दे देगा, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? इति अविरोध इति नचवाच्यम, ऐसा कोई कह सकता था? कोई विरोध नहीं बनेगा, क्योंकि भले ही कामी पुरुष है सब कुछ है लेकिन महान यज्ञ कर रहा है ना, इसलिए शायद उसको वैराग्य आ गया, जो वैराग्य आ गया सर्वस्व दान देने लगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। इति अविरोध इति न कांशन में कर दो, इति अविरोध इति न च वाच्याम, क्यों? यदि ऐसा ही होता तथा च पीतोदका इत्यादि धर्म वंचनाम कथम कुर्यात, कुर्यात कथम, यदि ऐसा ही होता फिर पीतोदक इत्यादि जो श्लोक कहेगा, ऐसे धर्म वंचना माने कर्म में एक अंग में वंचना बुद्धि जो उसने की है, जो छल कपट जो किया है वो क्यों करता? यदि विरक्त हो करके यागवशात
वह परलोक के लिए याग करने चला, लोभी होने के बावजूद उस याग में जब बैठ गया तब उसको वैराग्य हो गया और सर्वस्व दान दे दिया। ऐसा अर्थ आप नहीं कर पाएंगे, यदि ऐसा ही होता फिर वो पीतोल का चित्रणा दुग्ध दोहा नहीं करता। इतिहाशंक्य कीर्ति लोभात उषन्न पीत दो इतिहाशेन, तब कोई कह सकता है नहीं चलो वैराग्य से उसने सर्वस्व दान नहीं दिया, कि कीर्ति का लोभ से लोग दुनिया में प्रचार करेंगे ना वो ऐसा महान व्यक्ति है, उसने विश्वजीत याग किया, सर्वस्व दान का याग किया। आज रघुवंश की प्रसिद्धि क्यों है कि रघु ने यही विश्वजीत याग किया था, और उस विश्वजीत करने के बाद में गुरु ने उसके गुरु दक्षिणा मांगी 14,000 स्वर्ण उस जमाने में। कहाँ से लाता, सर्वस्व दान दे दिया, खाली था वो, कुछ भी नहीं था। तब गुरु मांग रहा दक्षिणा, जब सड़क पर खड़ा है वो, अपना महल भी दान दे दिया, सब दे दिया रघु ने, और सड़क पे है पत्नी बच्चे के साथ। उस समय गुरु आके बोलते मुझे दक्षिणा दो, कितनी बड़ी परीक्षा। और रघु कहता अच्छा कोई बात नहीं गुरुदेव, अभी देते हैं, कहाँ से देगा। तुरंत उसने एक बाण छोड़ा इंद्र को, नीचे चट्टी लिख करके 14,000 स्वर्ण कुबेर के द्वारा भेजा जाए यहाँ गुरु दक्षिणा, मैं कर्जा चुका दूंगा। कर्जा मांगा और इंद्र ने कुबेर के द्वारा तत्काल कर्जा भेज दिया 14,000। ऐसा महान रघु था। कालिदास ने इसकी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, रघुवंश आज पढ़ेगा तो गदगद हो जाएगा, ऐसे उपमाओं से वर्णन किया कि गजब। रघुवंश का हिस्सा हृदय को आकर्षित कर रहा था, क्या हमारा देश का चरित्र था, यहाँ के लोग कैसे थे, दिव्य चित्रण आप देख सकते हैं। और आज वही दरिद्र भारत दान दे करके लोग वापस ले लेते हैं, ये दुर्दशा है, कितनी गिरावट है, नैतिक पारमार्थिक हर दृष्टिकोण से गिरावट है। तो ये कीर्ति के कारण से भी कोई कर सकता, हो सकता वैश्रवसाने भी कीर्ति के कारण सर्वस्व दान दे रहा होगा, भले लोभी है कामई माने सब कुछ, कहते ये भी आप आशंका नहीं कर सकते। इतिहास ने पुत्र नाम आचक्षणा, इसी का आशय को लेकर के पिता के नाम के द्वारा इसकी जवाब दे देंगे, नहीं हो सकता। वाच मिथ्यादि ना पितुः गुणा पुत्रे लेशत अनुवर्तित भाव, पिता का गुण पुत्र में भी लेशत अनुवृत्त हो गया, इसलिए कीर्ति का लोभ से नहीं है या वैराग्य से भी उसने नहीं किया है, केवल स्वर्ग की कामना से। जैसे पिता ने यह लोक में यश की कामना से भले किया है, लेकिन इस पुत्र को यह लोक में इसकी कामना नहीं रह गया, इस पुत्र को परलोक की कामना से इसने किया है। यह संकेत वाजश्रव नाम के द्वारा आपको दिया है, इस बात को भाष्कर ने संकेत कर दिया, पितुः गुणा पुत्रे लेशत अनुवर्तित भाव न चैवम व्याख्याने तत्फलम कामयमान इति भाष्यम कथम। यदि ऐसा व्याख्या कर रहे हैं फिर एक ही भाष्कर ने आगे लिख दिया तत्फलम कामयमान, ये विरोध हो जाएगा, ऐसी भी आशंका आप न करें। इति न शंकितव्यम तस्य छलोक्ति ख्यापकत्वात् कीर्तिरपि लौकिक फलत्वेन तत्फलत्व अविशेषाच्छ, क्योंकि तत्छलोक्ति, क्योंकि आगे भाष्यकार ने जो कथन किया तत्फलम के फलत्व सामान्य, जैसे पिता ने यह लोक का फल पाया तो पुत्र ने परलोक रूपा फल की कामना कर दिया है, दोनों कामना तो में समान ही है, दोनों में से कोई भी कामना से परे उठकर पारमार्थिक वस्तु की कामना नहीं किया है। उस सादृश्यता को दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने तत्फलम कामयमान कहा है। तस्य छलोक्ति व्याख्यापकत्वात् कीर्तिरपि लौकिक फलत्वेन, कि कीर्ति क्या है, लौकिक फल था जो पिता के द्वारा कृत है, तत्फलत्व विशेषात् तारस्य फलत्व रूपी सामने तक लेकर अब पुत्र ने क्या किया है, स्वर्ग रूपी फल की कामना किया। अच्छा पूरा उक्तम उषण पद तात्पर्य व्याहत, फिर पहले अपने उषण पद की तात्पर्य में जो कहा था उसके साथ विरोध हो जाएगा, ये भी नहीं कहना। कीर्ति कामेपि सांगत उपयोगात इत्यलम बहुना, क्योंकि कीर्ति की कामना हो चाहे स्वर्ग की कामना हो चाहे कोई भी कामना हो, सांग कर्मकांड तो करना ही पड़ेगा, चंद्रदान आप कर रहे हैं वो भी सांग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते बुलाया बिठाया खिला दिया छुट्टी कर दिया ये सांग नहीं हुआ अन्नदान, अन्नदान का आधा पुण्य है, पुण्य भी ठीक से नहीं मिलेगा उसको, अन्नदान की भी तरीका है ना कैसे करना है, स्वर्णदान हर दान की विधि है ना, हर दान का विधि है,
दान खंडी छपती है पुस्तकों में, धर्मशास्त्रों में, चतुर्वर्ग चिंतामणि है पुस्तक छह खंडों में, उसमें दान खंडी अलग है, सात खंड तो इतनी मोटी है। हर चीज के लिए विधि विधान बनाया हुआ है। और फिर कृत्य जैसे व्रतखंड, व्रतखंड में व्रतों की चर्चा, हर तिथि का व्रत, हर वार की व्रत, सारा वर्णन कैसे कैसे करना चाहिए, और उसमें सब व्यवस्था हर वर्णों के आधार पर, आश्रम के किस वर्ण वाला हो, कौन सी व्रत कर रहा हो, तो उसके लिए क्या नियम है, ए टू जेड वर्णन किया हुआ है। ऐसे दुनिया भर शास्त्र है, केले चित्रों की चिंतामणि और भी ऐसे वीर मित्रों से पुस्तक है, 16 खंडों में विस्तार रूपण समझाया गया है। कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो एक दो मैंने खरीद का है, रखा हुआ अपने पास है, चतुर्ग चिंतामणि भी है, वीर मित्रों दे भी है, सारे ग्रंथ है लाइब्रेरी में, कुछ देखना पड़ गया, जरूरत पड़ गई, कुछ लोगों ने ऐसे बात पूछा क्या करें, और पंडितों से पूछा, आजकल किसी को पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं वो लोग, ग्रंथों का नाम तक पता नहीं उन्हें, फिर हमें ग्रंथ ढूंढ ढांड के खरीद लिया और ढूंढ के निकाला, निकाल के उनको बताया, जिसको जिसने पूछा था उसने बहुत रुपये इस तरह से खरीदने गया, तब देखा चीजें कितनी गहन चिंतन हुई है शास्त्रों में हर चीज की। इसलिए कोई भी काम न चाहिए, यह लोग की काम न, दत्त पूर्त इष्ट तीन प्रकार का वर्णन किया गया है, वैसे तीन प्रकार कोई भी कर्म आप हो सांगता होगी यदि काम है तो, और तीनों में से कोई भी कर्म आप कर रहे हैं निष्काम कर रहे हैं तो सांगता होना कोई जरूरी नहीं है। ये जो हमने पूर्व में कहा वो आप भी हम उसे बरकरार हैं, उसे हम हट नहीं रहे हैं, इसे कोई विरोध नहीं है पूर्वापरि, चाहे यह लोग काम ना हो चाहे पर लोग काम ना हो, कोई भी काम ना हो सांगता अवश्यंभावी। तो पूर्वोत्तर विरोध समाप्त कर दिया, कीर्ति काम कामी सांगत उपयोग उपयोगात इत्यलम बहुना, और ज्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहते हैं, बहुना कह दिया, बहुत कह दिया। किल नाम पुत्रास तस्य यजमानस्य, पांच नंबर टिप्पण भी है, ननु उषण है इत्यादि पूर्ववाक्यन तस्य ह इत्यादि उत्तरवाक्यस्य अनाकांक्षित्वात् असंबद्धत्वम् इत्याशंक्य सर्वेषं ददौ इत्यस्य पीतोदक इत्यादिना विरोध परिहारत्वात् न तस्य तथात्वम् इत्याशेन व्याचष्टे तस्य यजमानस्य इति। कहते हैं आपने भले ही पूर्वोत्तर से विरोधों का समाधान कर लिया, लेकिन यह कहने की जरूरत क्या थी बीच में, तस्य नचिकेतनम पुत्र आस है? तब कहते हैं कि इसका कारण यह है भाई, इसके बिना उसे आगे ग्रंथ के लिए भूमिका नहीं बनती, उपक्रम नहीं बनेगा। इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है तस्य नचिकेतनम पुत्र आस, इसके बिना उत्तर ग्रंथ के साथ कोई संबंध ही नहीं बन सकता है। पीतोदकत्वादि विशेषण ही तावत् पाश्यमानोदकादयो व्यावर्त्यन्ते, क्योंकि उस तीसरे मंत्र के द्वारा पीतोदक इत्यादि के द्वारा क्या कर दिया है पिता ने, क्या चालकी की, और चालकी को प्रकट करना चाह रहे हैं उस पुत्र के नाम पर के पाश्यमान, माने जो पानी वगैरह पी रहे हैं खा रहे हैं, जिन्होंने जल पी लिया वो पीतोदक, जो भी पी रहे हैं वो पाश्यमान है गौ, ये विशेषण पाश्यमान गौ होंगे, पाश्यमान उदकादेव, अभी जो पी रहे हैं आगे पीते रहेंगे, ऐसी जो गाय हैं उनको बेटा का नाम कर दिया, उनको कर दिया बेटे के नाम पे, और जो पी चुके हैं जिनका राशन कोटा इस जन्म का खत्म हो गया, ऐसे गौं को अपने नाम पे कर दिया अलग, ये विभाजन दिखा रहे हैं। व्यावर्त्यन्ते नच व्यावृत्ति व्यावर्त्य असत्व संभवति, और ये दर्श व्यावृत्ति व्यावर्ति के बिना कैसे घटेगा, किसी चीज को अलग करना है तो किसके लिए अलग किया पूछा जाएगा ना, तो कहना पड़ेगा बेटे के लिए अलग कर दिया, इस बेटा था कहना पड़ेगा पहले, यदि बेटा था कहेंगे तब तो पीतोदक इत्यादि वाक्य सार्थक होगा, तो अपीतोदकाओं को पुत्र के लिए कर दिया, पीतोदकाओं को अपने नाम में रख लिया, ये विभाजन व्यावर्तन प्रसर जो कर रहे गौ में, यह बिना पुत्र के अस्तित्व का कथन किए और मंत्र को उत्थापन ही नहीं हो सकता, अवतरण ही नहीं हो सकता है, इसलिए जरूरी था। संभवती थी शोभन गवीनाम रक्षितत्व अवगम्य थे तथा जब सर्वसुदानोक्ति विरुद्ध थे, तब कोई कह सकता है फिर सर्वसुदान विरोध हो गया, सर्वसु कहा दिया उसने,
तब भी विरोध नहीं है कि ततः कथम स उक्ति संगच्छते इत्याशंकय माह तस्य यजमानसि इत्यादि। पुत्र सत्व सत्वात् तन्नाम अंकितानाम शोभन गवीनाम रक्षितत्वेपि, क्योंकि जो शोभन गौ थे उसमें क्या हो गया, पुत्र का सत्व हो गया, वो अपना नहीं रहा, बेटे का है बोल दिया तो बेटे का हो गया वो, अब अपना कहाँ रह गया। अब बेटे का धन को बाप कैसे बांट देगा, बेटा नहीं लड़ेगा, मेरा आपने कैसे बांट दिया करके, बेटा का चीज तो बाप नहीं बांट सकता है ना, बाप अपना चीज जितनी बांट ले, इसीलिए जानकर उसे पुत्र का सत्व बना दिया। पुत्र सत्वात् तन्नाम अंकितानाम शोभन कवीनाम रक्षितत्वेपि स्वनाम अंकितानाम पितोदगादिनाम सर्वासाम दानात् सर्वसुदानोक्ति अविरुद्ध अविरुद्धा इति भावः, ठीक है ना। इसलिए सर्वसुदान का जो कथन में भी कोई विरोध नहीं रह गया, वो अंकित कर दिया उनको, तिलक लगा दी, अलग कर दी बेटे के संपत्ति को और अपने लिए अलग बना दिया है, इसे अपना जो जो था वो सब दान दे दिया, तो सर्वसुदान तो हो ही गया, इसलिए कोई विरोध नहीं है। यद्यपि एतार सर्वसुदान छलयुक्त है, अतएव अधर्म है, यह बात पुत्र के दिमाग में आ जाएगा परंपरा से पुण्य का लेश पौत्र में पहुंचाने के कारण से। नाम ये निपात है, नाम निपात है, इसे जान करके बोल रहे हैं, इसे शक्ति पोषण कर दो, गड़बड़ न करो, इसे कहते नाम निपात। कथम मन्यता बालमात्र लभ्यत्व बोधिकया अनया आख्यायिक विद्याया स्तुति संपाद्यत इत्यवदेयम्। तत्कालीन बालेशो, नाम इस निपात की भी विशेषता है, क्या विशेषता है, भाष्यकार ने ये जो नाम बोला और जो है श्रुति का अनुवर्तन करके, श्रुति में है ना नचिकेता नाम, क्यों कहना पड़े सा निपात रूपी अब्बे को श्रुति, ये दिखाने के लिए तत्कालीन समस्त बालकों में से अत्यंत विलक्षण बालक नचिकेता, ये विलक्षणता को प्रकट करने के लिए नाम शब्द आया हुआ है। तत्कालीन बालेशु लोकोत्र प्राभादि गुण अलंकृतत्वेन नचिकेत सह सर्वलोक प्रसिद्ध्योतको अयम निपातः इत्याशयनाः। उसका गुण तीनों लोकों में प्रसिद्धि पूर्व में ही हो चुका था, इस वृत्तांत जब 5 साल के बच्चा यमराज जी के यहाँ पहुंच गया, वहां से लौट गया, तभी तीनों का लोकों में उसकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, ऐसा विलक्षण बालक वह था। इस विलक्षणता को द्योतन करने के लिए नाम या शब्द प्रयोग कर दिया, यदि विलक्षण न हो फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा विद्या की स्थिति भी क्या होगी, मूढ़ व्यक्ति से विद्या की स्थिति की जाएगी क्या, लक्षण तेजस्वी बालक को लेकर के ही विद्या की स्थिति हो सकती है। इसलिए आजकल स्कूलों में क्या होता है, कॉलेज स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करते हैं, जितने उनके रैंक स्टूडेंट होते हैं उनका फोटो छापते हैं अखबारों में, देखो हमारे इतने नहीं तो फेल हो उनका फोटो छाप करके एडमिशन मांगेगा है? कौन पूछेगा, और कहेगा इसके स्कूल बेकार है सब फेल होते हैं, कोई नहीं पूछेगा उस इंस्टीट्यूशन को। महिमा स्तुति किसी इंस्टीट्यूशन का आज के जमाने में देखिए किसी जाती है, जो विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे हैं, ये तो इतने रैंक स्टूडेंट हमने किया है, सब हाई फाई बुद्धि वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ, और उनकी बुद्धि को ट्रेन कौन किया, हमारे इंस्टीट्यूट ने किया है, अपना अहम होता है, और उसको देख करके हर आदमी जाता है, इस स्कूल में इतने बच्चे रैंक में पास हुए तो हमारा बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। यह अनादिकालीन परंपरा है, विलक्षण बुद्धि वाले बालक की प्रशंसा और उसके द्वारा उस संस्था की या उस वंश की या उस कुल की या किसी विद्या आदि की स्तुति की जाती है। अब इस सारी बातों को प्रकट करने के लिए यहाँ इस मंत्र में नाम यह शब्द रखा गया है। पुत्र इति पुम नामनो नरका पितुः त्राण कारित्व बोधकेन अनेन श्रद्धा आवेश इत्यादि योग्यता नचिकेत सूच्यते। पुत्र ये भी शब्द है ना, पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, ये बनता ही है पुम नाम नरका त्रयं पालने धातु है, त्रायते इति त्रः, त्रायते इति त्रः, पुम का म लो पू और त्र बच गया, मिला दो पुत्र बन गया। पुम नामक नरकादि में जाने से पिता को जो रक्षा करता है श्राद्धादि अनेक प्रक्रियाओं से, तो उसको कहते हैं पुत्रो। और यह शब्द श्रुति ने क्यों प्रयोग किया, नाम पुत्र आस,
ये दिखाने के लिए, ताकि उत्तरवर्ती जो मंत्र है श्रद्धा आविवेश उसके साथ अन्वय कर देंगे। यदि वो पुत्र ना हो तो उसके अंदर जो है श्रद्धा कहाँ से आएगी? आजकल जैसे पुत्र तो होते नहीं, इसलिए लोग क्या बोलते, ये बेटा है, ये मेरा लौंडा है, ये बेटा है या लौंडा है, ऐसे बोलते हैं। कौन कहता है पुत्र किसी है? आपने बच्चे को पुत्र कहते हैं नहीं आजकल? पेट पे जो लात मारता है, ये मेरा औलाद है, ये मेरा औलाद है, जो कल मेरे पेट में लात मारेगा ना, इसे उसको औलाद कह दिया। बाप के लात मारने वाले के नाम औलाद, आज बेटे को औलाद कहते। इसी हमने भागवत में कथा में गाया भी है ना, शायद पंक्तियां हैं इसमें हिंदी में, औलाद कहने का नतीजा क्या निकलता है, बेटा कहने से क्या है? जो बांटता है वो बेटा है, जो घरों को बांट दिया, माँ बाप को भी बांट देता है, वो लड़ा भिड़ा करके दोनों को इधर उधर बिठा देता है, वो बेटा होता है। जो बांटे सो बेटा, जो पेट पर लात मारे सो औलाद, जो सब को लुटका दे सो लोंडा। कोई पुत्र होता ही नहीं आज के जान, लोगों ने शब्द ही त्याग दिया है, लोगों ने जान के शब्द को त्याग दिया। इसका नाम पुत्र होता है श्रद्धा विशेष इत्यादि इति सूच्यते। हि निपात पर्याय किल, हा ये जो उसके निपात का पर्याय वाची है किल, प्रसिद्धि का द्योतन कही के लिए है।